हाय, तो कैसे हो आप सभी लोग। कलाकार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है मेरे चैनल पे दोबारा आने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए। बहुत सारा प्यार मिला अभी एक रिसेंटली। जो प्यार मिला ना वो ये है, नरुला मेरी फ्रेंड है, उसने मेरे लिए ये बना के दिया वॉलपेपर। मैं डिजिटली आर्ट बना के नाम लिख के दिया, तो मैंने इसको एज ए वॉल पेपर यूज़ करा है। थैंक यू नरुला बहुत बहुत इस प्यार के लिए। आज का कुछ सीन ऐसा है कि हम जैकेट कस्टमाइज़ करेंगे। जैकेट कस्टमाइज होगी जो कि महादेव की थीम पे होगी। और उससे पहले हमारी लास्ट वीडियो पर जो भी मुझे बेस्ट 5 कमेंट लगे वो मैं आपको सुनाऊंगा। पहला कमेंट जो था वो ये था, मैं पढ़ के बताता हूँ। पीपल हु हैव डिसलाइक दिस वीडियो, सालो पेंसिल दे दूँ तो सीधी लाइन भी ना बनेगी तुमसे। @ सुश्री तू बेस्टर है। ये कमेंट पढ़ने के बाद तो मतलब मेरे को इतनी हंसी आई कि भाई ने क्या कमेंट करा है भाई। थैंक यू ब्रो शंकर शांति, थैंक यू सो मच। सेकेंड कमेंट जो कि ये है, जो कि हाशी का कमेंट लगा था मुझे, वो था कि हाशी के दो कमेंट थे। एक कमेंट मैं आपको बता दूँ जो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। सुश्री भाभी कलाकार के फ़ैन तो हम पहले ही थे, आपके भी हो गए अब। थैंक यू आशी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये कमेंट पढ़ के। थर्ड कमेंट जो कि सुश्री के किसी फ्रेंड का था। अब थोड़ा पॉइंट आउट पर आ जाते हैं। सुश्री जी, आपने जो मेहंदी लास्ट राउंड में समथिंग विथ कॉइन में बनाई थी, वही मेहंदी आपके हाथ में राउंड 2 में सॉल्ट पेंटिंग में लगी हुई थी। मैंने कहा ये तो रिवर्स चल रहा है, मेहंदी वॉज नाइस, प्लीज़ नो ऑफेंस जस्ट फॉर फन। तो भाई कामरान हुसैन भाई क्या चीज़ पकड़ी है ये। तो मतलब मैं जब एडिट कर रहा था तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाया था। तो मैंने जैसे ही कमेंट पढ़ा मैंने बोला शिट यार, ये चीज़ ये तो मैंने भी नहीं देखी थी, ऐसा कैसे। सैल्यूट है भाई। फोर्थ कमेंट वो है, थैंक यू मोनो, बहुत अच्छा लगा आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला, थैंक यू सो मच दिल से। लास्ट कमेंट फिफ्थ जो कि आकांक्षा का कमेंट है, और आकांक्षा कुछ टाइम में मैं उनके साथ वीडियो कोलैब करने का भी प्लान है, पर देखते हैं वो किस तरीके से सक्सेसफुल होता है, क्या आइडिया रहेगा और क्या, वो बैठ के बात करनी पड़ेगी जैसा भी होगा। पर आकांक्षा आपका कमेंट हमेशा अच्छा होगा, इस बार वाला दिखाता हूँ। व्हाट टू से यार, एवरी टाइम लिटरली एवरी नेक्स्ट टाइम यू कम अप विथ समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग, लव्ड इट, ग्रेट आर्टवर्क यू बोथ, थैंक यू आकांक्षा दिल से। और बस वेट करना हमारे कोलैबोरेशन का, शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। अब जल्दी से चलते हैं, बिल्कुल जल्दी से जैकेट कस्टमाइजेशन, और उसमें मैं कुछ अपने टिप्स भी देना चाहूँगा, अगर कभी आप बनाना चाहे तो वो चीज़ हेल्प करेगी। बूम, टिप नंबर 1 कि सबसे पहला आपको जब भी आप जैकेट कस्टमाइज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक्रेलिक कलर्स चाहिए, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स वाटरप्रूफ होते हैं। सबसे पहले वो कलर ही वाटरप्रूफ होते तो वो कलर ही नहीं निकलता। और मैं जो यूज़ करता हूँ फेविक्रिल के कलर्स यूज़ करता हूँ, अच्छे कलर हैं, सस्ते हैं, अच्छे कलर हैं। टिप नंबर टू है कि कभी भी आप जब भी अपना आर्टवर्क बना रहे हो उससे पहले आपको एक वाइट कोट करना पड़ेगा अपने डिज़ाइन का, कि जिससे कि जब आप उस पर कलर करो तो कलर पूरा उसकी ब्राइटनेस, उसकी सैचुरेशन, उसकी कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब कुछ उस लेवल पे रहे। वरना डेनिम होती है तो ब्लू डेनिम पे वो कलर हट सकता है। हाँ, थोड़ा वाइट पेंट करने में थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि आपको 4-5 लेयर उसकी डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो एकदम से नहीं जाता उस कलर उस पर। टिप नंबर 3, जब भी आप
ऐसा कर रहे हो तो जब आपका वाइट पेंट हो जाए, वाइट पेंट के बाद उस पर आप अपनी ड्राइंग बना सकते हो पेंसिल से, कि जिससे आप जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो। लास्ट स्टेप फोर्थ, जब भी आपका कुछ ऐसा कलर है कि जब आपको कलर्स ब्लेंड करने हो, जैसे कि इस ड्राइंग में करने हैं, तो आप उसको सूखे ब्रश से आप उसको ब्लेंड कर सकते हो, जिससे कि टेक्सचर अच्छा आ जाता है और ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सिर्फ कलर डाल रखा है, वो एकदम ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो इस जैकेट के मैं शॉर्ट्स नहीं ले पाया क्योंकि ये जैकेट मुझे अर्जेंट देनी पड़ी, तो इस बार सिर्फ एक फ़ोटो से काम चला लो, और अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत अच्छी लगी तो शेयर करना, नए हो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। अब पांच बात हुई थी तो वो छटा भी दिखाई देते हैं, जो भी बहुत सही लगा था मुझे। कमेंट कमेंट बाय दीपक कुमार, इट्स सो क्रिएटिव, बोथ ऑफ यू किलिंग इट, एडिट ओपी, एंड आई लाइक मोस्ट कॉटन पेंटिंग एंड कॉइन वाला, एंड कलाकार शेडो पेंटिंग डोप, आई लाइक दिस कोलैबोरेशन, बोथ ऑफ यू आग लगा दी, आग लगती रहेगी भाई, दिल से शुक्रिया, थैंक यू।